फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है सुनीता देवी। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अनदर, अदर और अदर्स में क्या फर्क है, जबकि इन सभी का मीनिंग एक जैसा होता है। तो आइए फ्रेंड देखें कि अनदर, अदर और अदर्स में क्या फर्क है। इसके अलावा मैं इनके बारे में कुछ और खास बात बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, अनदर, अदर और अदर्स, इन तीनों का मतलब होता है दूसरा, लेकिन इनका यूज थोड़ा डिफरेंट है। हम अनदर का इस्तेमाल एक सिमिलर नाउन के साथ करते हैं, जैसे आई नीड अनदर कप। यहाँ पर मैंने लिखा है कप, क्योंकि कप एक सिमिलर नाउन है इसलिए मैंने अनदर का इस्तेमाल किया और इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मुझे दूसरा कप चाहिए या मुझे दूसरे कप की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने अनदर के बारे में समझा कि अनदर के साथ हम सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब अदर के बारे में देखें। अदर का इस्तेमाल प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, जैसे आई नीड अदर कप्स। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कप्स, इसलिए मैंने यहाँ पर अदर का इस्तेमाल किया। यानी जब दूसरा के बाद एक प्लूरल नाउन हो तो आप अनदर का नहीं बल्कि अदर का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब अदर्स के बारे में देखें। अदर्स आर प्रोनाउन टू रिप्लेस अदर प्लस प्लूरल नाउन। फ्रेंड्स, हम अदर का इस्तेमाल अदर प्लस प्लूरल नाउन की जगह पे करते हैं। यानी जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, अदर कप्स, अगर मैं चाहूँ तो अदर कप्स को रिप्लेस करके मैं अदर्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अदर्स का मतलब होता है अदर प्लस प्लूरल नाउन। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। आई नीड अदर्स यानी रिफर टू अदर कप्स। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि यहाँ अदर का इस्तेमाल अदर प्लस प्लूरल नाउन के लिए हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप अनदर, अदर और अदर्स के बारे में समझे कि अनदर का इस्तेमाल आप सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, अदर का इस्तेमाल प्लूरल नाउन के साथ करेंगे और अदर्स का इस्तेमाल अदर प्लस प्लूरल नाउन की जगह पे करेंगे। यानी अगर कहीं अदर और प्लूरल नाउन लिखा हो तो आप उन दोनों के जगह पर अदर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि अदर वाले टॉपिक को आप और गहराई से समझ सकें। आइए फ्रेंड्स, देखें कि अनदर वन का क्या इस्तेमाल है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। आई हैव ऑलरेडी टेकन टू कप्स ऑफ टी, यानी मैं पहले ही दो कप कॉफी पी चुका हूँ। दो Now I want another one. फिर भी अब मैं एक और चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर another one का मतलब additional cup of tea, यानी यहाँ पर another one का मतलब है I want another cup of tea. लेकिन मैंने यहाँ पर another cup of tea न लिखकर मैंने लिखा another one, क्योंकि जब आप अपने सेंटेंस में उस नाउन के बारे में पहले जिक्र कर चुके हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, और फिर दूसरी बार उस नाउन को बोलना हो तो आप उस नाउन के जगह पर वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला आई वॉन्ट अनदर वन, यानी आई वॉन्ट अनदर कप ऑफ टी। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई हैव अपलोडेड टू वीडियो टुडे, आज मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। दो नाउ आई वॉन्ट अनदर वन, फिर भी मैं एक और चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट अनदर वन का मतलब हुआ आई वॉन्ट टू अपलोड अनदर वीडियो। तो आई वॉन्ट टू अपलोड अनदर वीडियो के जगह पर आई वॉन्ट अनदर वन, यहाँ मैंने वीडियो के जगह पर वन इसलिए लिखा क्योंकि इस नाउन का जिक्र पहले वाले सेंटेंस में हो चुकी है। तो फ्रेंड, जब कंडीशन ऐसा हो कि आप अपने पहले वाले सेंटेंस में किसी नाउन का जिक्र कर चुके हैं और आप फिर उस नाउन की बात कर रहे हैं तो आप अनदर वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला रूल देखते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अनदर का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू विजिट अनदर सिटी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अनदर के बाद प्लूरल नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अनदर के बाद कोई नंबर होनी चाहिए, जैसे 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100। तो इस सूरत में आप अनदर के साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है आई वॉन्ट टू विजिट अनदर टू सिटीज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेसन बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।